शरद चंद्र मौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय कर्ता शिवम सत्यम सुंदरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव मां अमर साधना मीतिलो आशा पूरीलो सकोली पुराए जाए माँ अमर साधना मीतिलो आशा पूरीलो सकोली पुराए जाए माँ जनमेर सो डाकी गो माँ तोरे कोले तुले नीते आए माँ सकोली पुराए अमर साधना मीतिलो आशा पूरीलो सकोली पुराए जा। नमस्कार, लाइव टीवी शिव दर्शन में स्वागत है। इस वक्त हम हैं तारापीठ में, समाज सेवी राजेश अग्रवाल उत्तर वाहिनी गंगाजल भर के करीब 15 किलो का कांवर लेकर के साथ साथ हम लोग चले हैं। और मैं देखता हूँ कि हमेशा राजेश अग्रवाल पूजा में तीर्थ में काफ़ी रुचि रखता है। समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, देवघर वासियों के लिए क्या उन्होंने कामना की है, आइए उनसे जानते हैं। राजेश जी बताया जाए। जय श्री हर हर महादेव बोलबम। बाबा वैद्यनाथ माता पार्वती के आशीर्वाद से हमारा 21वां साल था और 21वां साल के दरमियान में हमने डाक भी 4 बार चढ़ाया है, 4 साल। और मैं बाबा से यही मन्नत करता हूँ कि पूरा देश सुख शांति स्मृति को प्राप्त करे, बाबा सबका कल्याण करे, बाबा सबको उज्ज्वल जीवन दे। और हम इस समय अपने धर्मपत्नी सोनी देवी अग्रवाल, मेरा बेटा रिशु जो कि तबीयत खराब होने के कारण वो गाड़ी में ही है फिलहाल, अभी रूम में था, हम लोग अभी तारापीठ में रुके हुए हैं। और माँ तारापीठ का हम लोगों ने पूजा प्रार्थना करके हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर की ओर। और आगे भी आने वाले समय में, अभी जैसे आपने 14 से 15 किलो का कांवर लाया, 31वां साल आपका है, और भी क्या कुछ तैयारी की है आने वाले समय के लिए बाबा वैद्यनाथ के लिए? ये तो बाबा ही जाने कि वो क्या करवाएंगे और क्या करेंगे, सब तो उन्हीं पर निर्भर करता है। लेकिन आगे हम हर साल कोई ना कोई बढ़ा के अलग कुछ सोच के ही करते हैं बाबा का। और अगले साल जो होगा वो महादेव जाने। जय श्री हर हर महादेव बोल रहा हूँ।